नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो यहाँ पे हम सिंपल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट से संबंधित हैं, जो हमारे सभी प्रकार के मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन फर्स्ट, फोर्स आर कॉल्ड कंकरेंट व्हेन देयर लाइंस ऑफ एक्शन मीट इन। जो हमारा कंकरेंट फोर्स होता है वो हम कब बोलते हैं? जब उसकी फोर्सेस की लाइंस हैं, जो लाइंस ऑफ एक्शन मीट, कहां पर मीट हो? वन पॉइंट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, वन पॉइंट। जब वन पॉइंट पे मीट हो तो ये हमारा क्या है? कंकरेंट फोर्सेस कहलाते हैं। द फोर्सेस आर कॉल्ड कोप्लेनर व्हेन ऑल ऑफ देम एक्टिंग ऑन ए बॉडी लाई इन। तो कंकरेंट के बाद कोप्लेनर फोर्सेस हैं, तो ये कोप्लेनर फोर्सेस हम कब बोलते हैं? जब ये हमारे एक प्लेन पर अप्लाई होते हैं। एक्टिंग ऑन ए बॉडी लाई ए वन प्लेन, मीन्स ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है, वन प्लेन। थर्ड क्वेश्चन, द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन। जो घर्षण है, फ्रिक्शन है, वो किस पे निर्भर करता है? एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, नेचर ऑफ सरफेस, शेप ऑफ सरफेस, ऑल ऑफ द अबो। तो मींस नेचर ऑफ सरफेस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, नेचर ऑफ सरफेस है, जिसके ऊपर हमारा जो घर्षण है वो निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फोर्स इज कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन वी स्पेसिफाई। ए फोर्स इज कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन वी स्पेसिफाई। फोर्स को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कंप्लीटली? जब हम स्पेसिफाई करें किसके लिए? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये तीनों को यदि हम स्पेसिफाई करते हैं तो फोर्स है जो कंप्लीटली डिफाइन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये जो यूनिट्स दिए हैं इसमें से कौन सी है जो दूरी की इकाई नहीं है, यूनिट नहीं है? एंगस्ट्रॉम, लाइट ईयर, माइलस्टोन, मिलीमीटर्स। तो मिलीमीटर है, लाइट ईयर से एंगस्ट्रॉम है, क्या नहीं है? माइलस्टोन। ऑप्शन सी इसका है जो एक गलत है, ये हमारी दूरी की यूनिट नहीं है। नेक्स्ट, व्हेन वी टर्न ए की इनटू ए लॉक फॉलोइंग इज अप्लाई। जब हम ताला खोलते हैं, चाबी को ताले में लगा के टर्न करते हैं तो क्या अप्लाई होता है? कपिल। ऑप्शन ए इज राइट, कपिल, कपिल लगता है, इस तरह का फोर्स लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मशीन हैविंग इन इफिशियंसी ग्रेटर देन 50% इज नोन एज। ए मशीन, कोई भी मशीन जिसकी क्षमता, इफिशियंसी, दक्षता 50% से ज्यादा हो, इज नोन एज रिवर्सिबल मशीन। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, रिवर्सिबल मशीन। द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ इन एरिया आर। मोमेंट ऑफ इनर्सिया की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर की पावर 4। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, मीटर की पावर 4। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑन रीचिंग द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट h। कोई भी बॉडी जब एच हाइट से ग्राउंड पे आती है, ग्राउंड पे पहुंचती है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? अंडर रूट 2gh। ऑप्शन सी है जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, अंडर रूट 2gh होती है जब कोई एच हाइट से बॉडी ग्राउंड पे आती है या गिरती है। ओके, नेक्स्ट, If E equal 1, the body R, यदि E की मात्रा एक बराबर किसके है? एक के, 1 के, तो बॉडी क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म लेमिना लाइज एट, मीन्स सीजी, सीजी की बात हो रही है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यूनिफॉर्म लेमिना लाइज एट कहां पे?
द मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सेस, उसकी एक्सेस के बीच में, मिड पॉइंट पे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, कोई भी पार्टिकल यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में मूव कर रहा है पार्टिकल, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा आर, ऑप्शन वी इज राइट ऑप्शन ओमेगा आर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, ये चार पैरामीटर्स हैं, वेलोसिटी, वेट, फोर्स, एक्सेलरेशन, इसमें से कौन सा पैरामीटर है जो कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेलोसिटी, वेट, फोर्स, एक्सेलरेशन, तो जो वेट है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ए फ्रेम स्ट्रक्चर इज परफेक्ट इफ इट कंटेन मेंबर इक्वल टू, कोई भी फ्रेम है जो कि हमारा ट्रस होता है उसका स्ट्रक्चर यदि परफेक्ट है, यदि वह कंटेन मेंबर इक्वल टू, क्या कंटेन हो, 2j-3, ये इक्वेशन होती है परफेक्ट के लिए, 2j-3, ऑप्शन ए है इसका राइट ऑप्शन है। जे रिप्रेजेंट ज्वाइंट, नंबर ऑफ ज्वाइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जे कर रहा है, ठीक है। द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई यूनिट इज, फोर्स की यूनिट, एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, न्यूटन जो है ये एसआई यूनिट है किसकी, फोर्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, 60 नंबर का क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी क्वांटिटी है जो स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है स्पीड। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज, किसके नाम से जानते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क को, पावर, ऑप्शन सी है जो ए हमारा क्या है, पावर करेक्ट ऑप्शन है रेट ऑफ डूइंग वर्क। द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज, एंगुलर एक्सेलरेशन की जो इकाई है, यूनिट है, वो है रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इज गिवन बाय, हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर गिवन बाय क्या होती है, सीधा आंसर की बात करेंगे जिससे आपको आंसर रिमाइंड रहे, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे आप चार पर ध्यान देंगे, सीधा आंसर आर इक्वल यू स्क्वायर साइन 2α/g, ऑप्शन वी इसका जो है एक करेक्ट ऑप्शन है, आर इक्वल यू स्क्वायर साइन 2α/g। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी इन एसआई यूनिट इज, वर्क और ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल, राइट ऑप्शन डी। ओके, थैंक यू।